दोस्तों आज दुनिया जिस तेजी के साथ तरक्की कर रही है उसी के साथ हर देश का दूसरे देश के साथ आपसी संघर्ष और विवाद भी कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। इन सब को देखते हुए आज हर देश अपनी सुरक्षा के लिए नए नए हथियार ईजाद करने में लगा हुआ है। उन्हीं सुरक्षा के इंतजाम में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सबमरीन, जिसे हम अपनी पनडुब्बी भी कहते हैं। हर देश की नौसेना की ताकत कही जाने वाली पनडुब्बियां देखते ही देखते कभी पानी के ऊपर तो कभी पानी के कई किलोमीटर अंदर गहराई से बड़ी आसानी के साथ तैरती हैं। नेवी के लिए वरदान साबित होने वाली इन पनडुब्बियों के पास इतिहास में बहुत सी जंग अपने दम पर जीतने का तमगा भी हासिल है। लेकिन दोस्तों आज जो हम पनडुब्बियां देखते हैं उसके विकास का एक पूरा दौर रहा है और इस टाइमलाइन में आज हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान की पनडुब्बी बनाने की कल्पना जब सार्थक लोगों के हाथ में गई तो उसने खुद को इतना विकसित कर लिया कि आज वो हर देश की शान बन चुकी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और देखिए कैसे विकसित हुई पनडुब्बी। ऐसा कहा जाता है कि इंसान बहुत पुराने टाइम से यह ख्वाहिश रखता था कि वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सके और अगर मुमकिन हो तो वह पानी के अंदर भी जिंदा रह सके। लेकिन उस वक्त जब इंसान अपने विकास के शुरुआती दौर में था तब इस बात की संभावना कर पाना मुश्किल था कि वो कभी ऐसा कर भी पाएगा। इसलिए लोग जादुई कहानियों में जल परी और पुष्पक विमान जैसी बातें करके खुद को दिलासा दे लेते थे। लेकिन जैसे जैसे विकास का दौर आधुनिक रास्ते पर आने लगा तो इंसान के दिमाग ने ठान लिया कि अब जिस चीज की भी ख्वाहिश करेंगे उसे पूरा भी करेंगे। इसी में से एक था पानी के भीतर का जीवन। खैर पानी के अंदर जीना इतना भी आसान नहीं होता और प्राकृतिक तौर पर तो इंसान कभी भी बहुत देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि इंसानों के लिए जरूरी ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे पानी के अंदर नहीं बल्कि जमीन पर ही मिलता है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पनडुब्बी के कॉन्सेप्ट को कुछ ऐसे सोचा गया कि हम एक ऐसी कृत्रिम तकनीक को विकसित कर सके, यानी कोई ऐसी मशीन बना पाए जो पानी के भीतर इंसान को बड़ी आसानी से जिंदा रख सके और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर पानी की सतह पर वापस भी आ जाए। बता दें कि पनडुब्बी जैसे किसी मशीन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम बॉर्न ने सोचा था। सन 1578 में अपनी एक पुस्तक में उन्होंने एक नाव के डिजाइन का प्रस्ताव रखा जो पानी के भीतर गोता लगा सके और चल सके। लेकिन यह सिर्फ उनकी कल्पनाओं तक ही रह गया, इसके आगे वो इसके साथ कुछ ना कर सके। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, 40 साल बाद नीदरलैंड में रहने वाले एक डच वैज्ञानिक कॉर्नेलिस ट्रेबल के हाथों विलियम वर्न की वही किताब लग गई जिसमें उन्होंने सबमरीन का कॉन्सेप्ट लिखा था। ट्रेबल किताब पढ़कर बिल्कुल बेचैन से हो गए क्योंकि उन्हें विलियम का आइडिया इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो जल्द से जल्द इसे असलियत का जामा पहनाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन ये इतने आसान नहीं होने वाला था क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो विलियम खुद ही इसे बना लेते। लेकिन ट्रेबल ने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो जाए उन्हें पानी के अंदर तैरने वाली इस मशीन को बनाना ही है। अब अपने इस विजन को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी। उन्होंने अपने सारे पैसे जोड़कर देखे तो उन्हें हंसी आने लगी क्योंकि उतने पैसों में वो सिर्फ उस मशीन का प्रोटोटाइप मॉडल ही बना सकते थे, वैसे ही जैसे विशाल गाय हाथी की एक छोटी मिट्टी की मूर्ति। लेकिन उन्हें इस आविष्कार के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वो चल पड़े इंग्लैंड के राजा जेम्स फॉस से मदद मांगने, जानते हुए कि डच का अंग्रेजों से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें जितनी रकम चाहिए वो सिर्फ शाही खजाने से ही मिल सकती है। एक तरह से देखें तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड के राजा मदद करेंगे। लेकिन जब ड्रेबल उनसे मिले और उन्हें सारी चीजें समझाई तो राजा उन्हें पैसे और बाकी सारे रिसोर्स भी साथ में देने को तैयार हो गए और इसी के साथ ड्रेबल ने पहला पड़ाव पार कर लिया। फिर ड्रेबल ने काफी मेहनत मशक्कत के बाद जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक छोटी नाव बनाई। लेकिन ये छोटी सी नाव कोई आम नाव नहीं थी बल्कि वही नाव थी जिसकी कल्पना विलियम ने अपनी किताब में की थी। जी हाँ दोस्तों, ये नाव पानी में डूब और तैर सकती थी। इस नाव की बनावट के बारे में बात करें तो नाव का आकार चमड़े के बड़े थैले की तरह था और पूरी बॉडी एक लकड़ी के फ्रेम से बनी थी जिसे ट्रेबल ने तेल में लिपटे गुहाइट की परत से ढक दिया था। नाव ऐसी थी कि उसमें बड़ी आसानी से 7 यात्री बैठ सकते थे। अपनी इस नाव को पानी के अंदर गोता लगवाने के लिए ट्रेबल ने नाव पर कई भेड़ की खाल से बनी हुई थैलियां लगा दी थी। अब आपको बताते हैं कि इन थैलियों में ऐसा क्या था जिसने ट्रेबल को पनडुब्बी का आविष्कारक बना दिया। असल में होता कुछ यूं था कि जब नाव को पानी के भीतर गोता लगा रहा होता था
तब उन्हीं भेड़ की खाल से बनी थैलियों में पानी भर जाता था, जिससे कि नाव बड़ी आसानी से गहराई में गोता लगा सकती थी। और जब नाव को वापस से पानी के ऊपर लाना होता था तो थैलियों में भरे सारे पानी को निचोड़ देते थे और उसी के साथ वह पानी की सतह पर आ जाती थी। नाव बनाने का काम पूरा होने के साथ ही ट्रिबेल ने आखिरकार विलियम के आइडिया को जिंदा रूप दे दिया। इसके बाद उसने इस अनोखे आविष्कार को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए सन 1620 में एक बड़ी प्रदर्शनी रखी और 1620 से 1624 के दौरान वो उस नाव को प्रदर्शनी में लंदन के थेम्स नदी पर दिखाता रहा। इसी के दौरान इस नाव से यानी दुनिया की पहली पनडुब्बी से पानी के नीचे नेविगेशन की संभावना की पुष्टि भी की गई थी। इसके बाद साल 1770 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी इन्वेंटर डेविड बुशनेल ने एक नई पनडुब्बी का आविष्कार किया, जिसे उन्होंने टर्टल नाम दिया। इस आविष्कार को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि यही वो पहली पनडुब्बी है जिसने पहली बार एक नौसैनिक युद्ध में दुश्मन के जहाज पर हमला किया और इसी के साथ नौसेना को भविष्य की एक नई दिशा मिल गई। 19वीं सदी के अंत में कई देशों के पनडुब्बी आविष्कारकों ने पनडुब्बियों को विकसित करना शुरू कर दिया। उसी दौरान अमेरिका के एक स्कूल टीचर जॉन हॉरलैंड ने 1875 में पहली मैकेनिकली चलने वाली पनडुब्बी को विकसित किया, जिसका नाम हॉरलैंड 1 रखा गया। ये पनडुब्बी स्टीम प्रोपल्शन का उपयोग करती थी, यानी कि भाप से चलती थी। इसके अलावा हॉरलैंड बोट भी पहली बार नौसेना के बिल्कुल नए हथियार के रूप में शामिल हुई, जिसने पनडुब्बी को सतह के जहाजों को डुबोने की क्षमता दी। हॉरलैंड बोट की उपस्थिति ने आधुनिक पनडुब्बियों को एक नया मोटिवेशन दिया। इस कारण से जॉन हॉरलैंड को बाद की पीढ़ियों द्वारा आधुनिक पनडुब्बियों का जनक कहा जाता था। अब अगर आज की आधुनिक पनडुब्बी की बात करें तो ये पनडुब्बियां पानी से भरे ऊपरी और निचली वाल्वों की स्थिति पर निर्भर करती हैं। जैसे जैसे पनडुब्बी के शरीर की डेंसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो समुद्र की गहराई में जा सकती है। जब ये फिर से ऊपर उठती है तो वाल्वों के अंदर भरी हुई हवा के द्वारा पानी खाली कर दिया जाता है। इसके अलावा पनडुब्बी के किनारों पर पंख भी होते हैं, जिनका उपयोग यात्रा की दिशा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आज इस समय भी जो भी देश अपने को नेवी में सबसे मजबूत घोषित करता है, वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसके पास दुश्मनों से लड़ने के लिए कितनी जरूरी और आधुनिक तकनीक से लैस पनडुब्बी मौजूद है। और आज के समय में पनडुब्बियों का विकास देखते ही बनता है। जो पनडुब्बियां किसी जमाने में गैसोलीन और फ्यूल से चला करती थी, वो आज इतनी आधुनिक हो चुकी हैं कि उन्हें एटॉमिक रिएक्टर की मदद से चलाया जा रहा है। साथ ही वो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में भी काफी सहायक है। दोस्तों, आज के टाइम में इंडियन नेवी के पास कुल 15 कन्वेंशनल पनडुब्बियां मौजूद हैं, जिनमें से 2 तो न्यूक्लियर पावर पर भी आधारित हैं। इन्हीं पनडुब्बियों के कारण आज भारतीय नेवी अपनी समुद्री सीमा में किसी भी दुश्मन देश को कभी भी खदेड़ने का दम रखती है। आप में से शायद कुछ लोगों ने गाजी अटैक फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें बड़ी बखूबी से दिखाया गया है कैसे इंडियन नेवी सबमरीन यानी पनडुब्बी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग जीतने में कामयाब रही थी। अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखिएगा और समझिएगा पनडुब्बी के जरिए देश प्रेम को। अगर आपको पनडुब्बी से जुड़ी कोई रोचक जानकारी पता है तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।